وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

शोहर और बीवी के माबिन इख्तिलाफ़ होने की सूरत में हम लोग क्या करें आप लोग वाकिफ़ हैं कि आज के लिए मसला कितना अहम और पेचीदा हो गया है और हमें कुरान से दूरी की वजह से ये परेशानी लाइक हो रही है कि हमारे ख़ालस शर्यी मसाइल में बाहर के लोग मुदाखलत कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के कवानीन रोज़ बरोज सामने आते चले जा रहे हैं ये बड़ा हसास और नाजुक मसला है ये हमारी गलती है हमारी लापरवाही है कि हमने अपने मसले को दूसरों के हाथ में जाने दिया और सूरत हाल ऐसी होने जा रही है कानूनी शक्ल में पार्लियामेंट के हवाले से हमको ऐसा बांधा जा रहा है कि आज हम भी परेशान हैं और कल आने वाली हमारी नस्ल अफसोस करेगी और परेशानी का सामना करेगी ये मसला है शोहर और बीवी में इख्तलाफ का शहर और बीवी में इख्तलाफ क्यों होने लगता है इसके मुख्तलिफ़ इसब हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर निज़ाम ख़ानदान की बड़ी अहमियत है अल्लाह ताला ने शोबों वबाइला बनाया लोगों को इंसानों को और उसमें कई यूनिट अल्लाह ने बनाए हैं उसमें से एक यूनिट या एक पहलू है ख़ानदान का खानदान शोहर बीवी से बनता है और ताज्जुब तो यह है कि इंसानों का सबसे पहला रिश्ता है शोहर बीवी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता इंसानों के दरमियान जो कायम हुआ वो शोहर और बीवी का रिश्ता कायम हुआ शोहर और बीवी बने उसके बाद फिर औलाद पैदा हुई अलहमदिल्ला और तमाम रिश्ते वजूद में आए और ये शौहर बीवी नज़ाम ख़ानदान का बुनियादी अंसर और बुनियादी सतून है और यही वजह है अल्लाह ताला ये चाहता है कि ख़ानदान के ज़रिए से तुम लोग आबाद रहो खुश रहो फलो फूलो बढ़ो और उसके साथ साथ अपनी दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियाँ अदा करो तो इसका किरदार बहुत अहम है और इसके किरदार में बड़ी कामयाबी रखी अल्लाह ताला ने और अगर ये खानदान कमज़ोर हो जाता है तो आप यकीन कीजिए कि उम्मत कमज़ोर हो जाती है और उम्मत कमज़ोर हो जाएगी तो उम्मत अपना फ़र्ज़ मनसबी कैसे अदा करेगी ये सोचने का लम्हा है ये गौर करने की बात है ख़ानदान की इसी अहमियत की वजह से बहुत से ऐसी ताकतें हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खानदान को कमज़ोर करना चाहते हैं इस खानदान को तोड़ना चाहते हैं ताकि इस खानदान का शरादा बिखर जाए और मुसलमान बट जाएं, इधर उधर कमज़ोर हो जाएं और शैतान की कोशिश कामयाब हो जाए बड़ी बेहतरीन तालीमत हैं निज़ाम ख़ानदान को बचाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए कुरान हदीस में और उसको चलाने के लिए बड़े बेहतरीन तालीमत हैं और उन पर आमल करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ़ ने हमारे सलफ़ साल ने हमारे साहब कराम ने और तमाम मुसलमानों ने इस उम्मत के रफ़्तार को आगे बढ़ाया अलहद आज की सूरत हाल में बड़ा हल्का लोगों ने समझ लिया है इस मामले को और खानदान का ये सिलसिला शुरू होता है शादी ही से आज बहुत सी नाकामियाँ हमारे सामने देखने में आती हैं बहुत सी जहतें हमारे खानदान की बन गई हैं बहुत से फितने हमारे खानदान में पैदा हो गए हैं यही वो खानदान है जिसके लिए दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह हमें औलाद दे दे तमाम अम्बिया कराम ने दुआ की और उसके बाद साहब कराम ने दुआ की आज तक हर मुसलमान दुआ करता है कि अल्लाह तैमें नेक औलाद दे दे लेकिन औलाद पाने के बाद हम लोग फिर अल्लाह को भूल जाते हैं औलाद की सही तरबियत औलाद की देखभाल और औलाद की परवरिश हलाल रोज़ी खिलाना ये सब हम लोग पसे पुष्ट पुश्त डाल देते हैं फिर शादी का मरहला आता है बच्ची या बच्चे का तो इस्लाम की जो तालीमात हैं अल्लाह तौलैब है उसी ने वो तालीमत नाजिल की हैं वही जानता है कि कल इस खानदान में क्या होगा कल ये मियाँ बीवी कैसा रवैया अपनाएंगे इसीलिए ऐसी बुनियादें फराहम की इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए इस खानदान को आबाद करने के लिए इस खानदान को कायम करने के लिए कि ये तो गारंटी ही है कि अगर उस पर चलते रहे तो इन किसी भी किस्म का फितना और खलफशार नहीं होगा लेकिन शुरुआत ही जब गलत हो जाती है तो अब नौबत आती है इस्लाम की उन तलीमत की कि अब तुम लोग इन दोनों के दरमियान में सुलह कराओ क्या इसबाब हैं ख़ानदानी निज़ाम के नाकाम होने के या शौहर और बीवी में इख्लाफ़ होने के क्या इसबाब हैं कुछ इसबाब मैंने शुरू में जिक्र किए थे आपके सामने और कुछ वजहें और भी आपको बताता हूँ मैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं माशरा में घर में महल में जो किसी को खुश और आबाद देखना पसंद नहीं करते उनको हज़म नहीं होता उसमें ख़ास तौर से मुसलमानों का ये निज़ाम निज़ाम ख़ानदान या उम्मत की ये यूनिट भी उनकी नज़र में है कि किसी तरह से इसको तोड़ो और ये मकामी तौर पर नहीं आलमी तौर पर इसके लिए प्लानिंग हो रही है इसके लिए बजट पास किए जा रहे हैं कि किसी सूरत से औरत को या इस्लामी या मुसलमान औरत को उसकी चार दीवारी से बाहर निकालो तो जाहिर बात है ये जब मामला बाहर निकल जाता है तो वो सामने मसायल आ ही जाते हैं इस्लाम की बुनियादी तालीमत यही थी कि अपने घर में रहो शोहर की खिदमत करो बच्चों की तरबियत करो ये कुरान की कई आयतों में है लेकिन हम लोगों ने जब डिसबैलेंस कर दिया है मामले को तो परेशानियाँ आनी ही आनी है सबसे पहला जो निशाना इसको बनाता है शैतान वो मियाँ बीवी के दरमियान में नाराज़गी पैदा करने का मैंने ये हदीस मुस्लिम की आपके सामने बयान की है जिसमें फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिर में उसका एक शागिर्द उठता है और वो कहता है कि मैं मियाँ बीवी के पीछे लगा रहा उनके बीच में पड़ा रहा पड़ा रहा और आखिरकार दोनों को जुदा कर दिया यानी तलाक की नौबत आ गई कुछ और हमारे दाखिली इसबाब होते हैं कभी कभी मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कुरान ने फरमाया सिदून फिल अर्द कि ये लोग फितना फसाद करते हैं ज़मीन में और एक फितना फसाद की एक शक्ल ये भी है कि शोहर बीवी में जुदाई डालने के लिए वो कोशिश करते हैं बदगुमानी पैदा करते हैं कि तुम्हारा ये हक है तुम्हारा ये हक़ है तुम्हें ये मिलना चाहिए तुम्हें ये घर मिलना चाहिए तुम्हें ये आराम मिलना चाहिए और इसी में दोनों में से कोई भी धोखे में आ जाता है चाहे शोहर हो चाहे बीवी हो वो धोखे में आ जाते हैं शैतान के गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और मामला फिर धीरे धीरे वो जड़ पकड़ लेता है और नुकसान आता है अलहदगी और जुदाई की सूरत में कुरान की जो तलीमत हैं वो बेहतरीन तालीमा हैं वो हर मुमकिन कोशिश करता है कुरान कि ये खाना आबाद रहे ये रिश्ता अटूट रहे लेकिन ये लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं और ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं कि ये रिश्ता टूट जाता है कुरान में कुछ ऐसे हालात बताए गए हैं कुछ ऐसे इसबाब बताए गए हैं जो असरानंदाज़ होते हैं शोहर और बीवी के तल्ल पर जैसे एक तो शैतान का काम है उसका किरदार है दूसरा ये है कि कभी कभी दोनों के घर वालों की मुदाखलत होती है वो लोग इंटरफियर करते हैं तो मामला दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेता है और इसको इस्लाम ने मना किया है कि शोहर बीवी को अपनी ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने दो कभी उनमें नाराज़गी होगी कभी चपकलिश होगी उससे घबराने की बात नहीं है कुरान कहता है कि हमारे पास ऐसा नुस्खा है कि वो अगरचे वक्ती तौर पर धोखे में आ जाएंगे लेकिन हमारी तरफ लौटेंगे तो इंशाल्लाह उनका मामला सही हो जाएगा तो वालिदैन या शोहर के घर वाले या बीवी के घर वाले उसमें उनको मुदाखलत करने की शरान इजाज़त नहीं है हाँ अगर करनी है मुदाखलत तो मैं अभी आपको हदीस की रोशनी में नमूने बताता हूँ सुबह अल्लाह कि ऐसी मुदाखलत हो तो हो वरना उन लोगों को अपना मसला हल करने दें थोड़ा सा बर्दाश्त करने का मामला है शौहर बर्दाश्त करेगा बीवी बर्दाश्त करेगी अपना मुस्तबल सोच करके अपने बच्चों के मुस्तबिल को सोच करके और बहुत से मसाइल को सोच करके वो भी बर्दाश्त करेगा वो भी बर्दाश्त करेगी ऐसी तालीमत हैं दोनों के लिए कि तमाम तालीमत को सामने रखे बुनियादी तालीम यह है कि एक दूसरे के हकूक़ को अदा करो कुरान ने और हदीस ने तफसील से बताया है कि शोहर का ये हक है बीवी का ये हक है लेकिन शोहर की ये ज़िम्मेदारी है और बीवी की भी ये ज़िम्मेदारी इस ज़माने में एक रविश चल पड़ी है कि हर इंसान अपने हक़ का तो मुतालबा करता है लेकिन अपनी जो वाजिबात हैं जो ज़िम्मेदारी है उसकी अदायगी नहीं करता दुनिया में जो फितन फसाद आप देख लीजिए चाहे मज़दूरों का मामला हो मज़दूरों और मालिकों का मसला हो या शोहर बीवी का मसला हो या जहाँ भी जिसका हक है जब भी हक में कमी की जाती है तो फितना वो फसाद होता है अब मज़दूरों का हक़ हाँ नहीं मिल रहा है वो लोग मुज़ाहरा कर रहे हैं धरना दे रहे हैं तोड़ फोड़ बचा रहे हैं आग लगा रहे हैं अगर उनका हक़ हाँ मिल जाए वहीं पर तो वो क्यों करेंगे ऐसा वो तो राजी खुशी अपने घर चले जाएंगे हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन तकुल्लि हक़ इनक कहू अल्लाह तमाम लोगों का हक़ हाँ मुतयन कर दिया है तो तुम भी तमाम लोगों के हक़ हाँ को टाइम पर अदा कर दिया करो और शौहर को बताया अल्लाह के रसूल ने कि तुम्हारी ये ये जिम्मेदारी तुम्हारा ये हक भी है इतना हक़ हाँ बताया बीवी को समझाने के लिए उसके दिल में ये बात डालने के लिए कि ये तुम्हारा शोहर है सिर्फ़ इसको सजदा जायज़ नहीं वरना और इसकी एतहत आपके ऊपर ज़रूरी है इन इतनी बड़ी हैसियत है कि सजदा भी करने का जवाब वहाँ पे मिल जाता लेकिन है लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वाहिद के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते उसके बाद तमाम उसके हुकूक बनते हैं उसकी खिदमत करना उसके घर को चलाना उसका कपड़ा लत्ता खाना पीना सब वक्त पर देना ये बीवी की जिम्मेदारी है ये बीवी के दिल में बिठाते हैं और शोहर के दिल में क्या बिठाते हैं कि बीवी का ये हक़ हाँ तुम्हारे ऊपर है जो खाओ वो खिलाओ जो पहनो वो पहनाओ और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शैतान कोशिश करेगा तुम लोगों को भड़काने की बदगुमानी में डालने की लेकिन होशियार रहना और देखो अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है बीवी से कोई नाराज़गी होती है बीवी की तरफ से तो सब्र करना कुरान कहता है वह आसा अंतक रहुशयन किसी चीज़ को तुम बुरा समझो लेकिन उसमें अल्लाह ताला ख़ैर बनाता है ठंडे दिल से फैसला करो जज्बात में ना हो गुस्से में ना हो अगर कोई तकलीफ है मिसाल के तौर पर आए ऑफिस से तो खाना तैयार नहीं है या आफिस जा रहे हैं तो कपड़ा प्रेस किया हुआ नहीं है या कोई और वजह भी है तो बहुत से लोग इतने जज्बाती होते हैं खाने में नमक कम है खाने में नमक ज़्यादा है तो तलाक़ दे देते हैं ऐसे लोगों का इलाज तो बहुत मुश्किल है लेकिन एक मुसलमान जिम्मेदार शोहर जिसके पास तालीम है जिसके पास कुरान और हदीस के अकाम है जिसके पास सरतुलनबी और उमातलमिन के नमूने हैं वो इतने जल्दी घबराहट का शिकार नहीं होगा बल्कि उसको यही हुक्म दिया गया है कि ला याफ्रक मुमिनतन किसी मोमिना से अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो उस पर मत जाओ उसको बुनियाद मत बनाओ झगड़े की और लड़ाई की क्योंकि अल्लाह के रूस फरमाते आगे कि अगर एक किसी बात से तुम नाराज़ हो जाओगे तो उसकी दस खिदमत तुम्हें नज़र आएंगी रद या उखरा दूसरी खिदमत तुम्हारे लिए खाना बनाती है रोटी बनाती है घर साफ करती है तमाम मसाइल हैं तो उसको सोचोगे तो एक गलती उसको तुम भूल जाओगे इन तो ये बेहतरीन तालीमात हैं प्रोटेक्शन के लिए कि वो नौबत ही ना आने पाए और कुरान में और भी बहुत से हकूक़ बयान किए गए शोहर बीवी के, के। पूरा सिस्टम हमारे पास अलहमदिल्ला मौजूद है लेकिन हम लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं अपनी गलतियों की सज़ा हम लोग हालांकि खुद ही भुगत रहे मैंने ये मसला उठाया था कि मुदाखलत वालदे की दोनों तरफ़ के वदेन की मुदाखलत ये सही नहीं है, है कि अच्छी नीयत से मुदाखलत करें उस बेटे को सास जो है उस बेटे को अपना बेटा समझे और ये जो लड़के का बाप है उस औरत को अपनी बेटी समझे तो इनशाला गैर जानबदारी से फैसला करेगा और ये सुलह कराने वालों की भी इनशाला हकामत इसमें आ रहे हैं तो ये मना करता है इस्लाम की बार बार हर छोटी बड़ी बात में मुदाखलत मत करो और अगर करना है तो सही नीयत से करो इखलास की नीयत से करो किसी भी थर्ड पार्टी की मुदाखलत से मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है चाहे वो दोस्त अहबाब ही क्यों ना हो लेकिन उससे बचने की हमें तालीम इस्लाम ने दी है मैं आपको बताऊं कि अगर मुदाखलत करनी ही है तो एक हदीस मैं आपको सुनाता हूं सही बुखारी की हजरत सहल इब्न साहद की यह भी रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा अल्लाह रद्ला के घर में तशरीफ़ लाए कितनी दूर था ही वो घर मिला हुआ था वो कमरा उनका तो कहा कि दामाद के बारे में पूछा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं ये हर घर में अगर मेरी बात पहुँच जाए इनशा कोई दीनदार समझदार मुसलमान मर्द और खातून समझ लें इनशाला कि अजीम लोगों का क्या काम था वो बड़े लोग जो हमारे लिए नमूना है उनका क्या काम था घरेलू ज़िंदगी की मुश्किलात को बाहर की ज़िंदगी की मुश्किलात को कैसे फेस करते थे वो लोग और कैसे थोड़ी देर के बाद राज़ी वराजा हो जाते थे मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन नमूने हमारे पास अलहमद मौजूद हैं खाली उनको पढ़ने और सुनने और समझने की ज़रूरत है तो आप तशरीफ़ लात फातमा रद्ला वहाँ के घर में तो कहा कि अली कहाँ है एति फातमा कहते हैं कि गाजब अन फीश इन अली ने किसी मामले में मुझे नाराज़ कर दिया और निकल गए घर से एक एक जुज इस हदीस का सुनते जाइए अली ने मुझे किसी बात पे नाराज़ कर दिया शोहर बीवी हैं किसी बात पे कोई तलखी हो जाती है उसको हम लोग उर्दू जुबान में क्या कहते हैं चाहे शोहर बीवी में हो चाहे भाइयों भाइयों में हो सगे रिश्तेदारों में हो उसको कहते हैं शकर रंजी यानी नाराजगी है लेकिन मीठी नाराज़गी है वो कत्ल व खून की नौबत नहीं है घर वालों में अपने एक खून के लोगों में कैसे शोहर बीवी में जिसके बारे में कुरान ने फरमाएन् न लिबास तुम लिबास लहुन वो तुम्हारा लिबास है तुम उसका लिबास हो यानी दोनों में कोई पर्दे की बात नहीं है इंतहाई आखिरी बात जो हो सकती है वो तुम दोनों में हो सकती है तुम दोनों एक साथ रहने वाले हो इसीलिए आगे जो आयत आएगी इन खिफ तुम शेका है भैया हिमा कि अगर तुम देखो कि उन लोगों में नाराज़गी होने जा रही है दूरी होने जा रही है तो तुम उसको संभालो शिकाक में भी वही पॉलिसी है अल्लाह ताली ये याद दिलाना चाहता है शिकाक ये शिक्क से है किसी चीज़ को दो टुकड़े कर देना ये स्केल मेरे पास पटरी है या पेन है या ये लकड़ी का वो है पटरा है उसको मैं एक है वो दो टुकड़े कर दूं तो इसको अर्मी में बोलते हैं शिकाप अल्लाह तला क्या तस्वूर देना चाहते हैं बीवी को और शोहर को कि नाराजगी हो गई किसी बात पर लेकिन उसको आगे मत बढ़ाओ तुम दोनों एक ही हो अब एक में से दो मत करो ये कितनी बड़ी तसल्ली है अल्लाह की तरफ से कि शोहर बीवी को उनकी मोहब्बत याद दिला रहे हैं अल्लाह एक ही हो जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं एक जान दो कालब यानी दोनों की रूह एक ही है ढांचा अलग अलग है एक तस्वर अल्लाह तला दिलाना चाहते हैं ताकि उनकी मोहब्बत याद आ जाए उनको और वो नाराज़गी खत्म कर दिया करें मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा ने अर्ज़ किया कि अबा जान अली ने मुझे किसी मामले में नाराज़ कर दिया है और बाहर निकल गए अब ये देखिए आप वालिद भी थे और ससुर भी थे फातिमा रजी अल्लाह उन्हा के वालिद थे और अपने हजरत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने के ससुर भी थे कहा कि अना इब्न आमक तुम्हारे चचाजात भाई कहाँ हैं उन्होंने कहा कि मुझे नाराज़ कर दिया है और कहीं चले गए तो कहा कि एक आदमी से कि देखो कहाँ है वो गए और लौट गया और बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद में लेटे हुए हैं आप वहाँ से तशरीफ़ लाए मस्जिद में तो देखा कि हज़रत अली अल्लाह रदील्लान मस्जिद में लेटे हुए हैं और करवड़ बदलने पर मस्जिद की मट्टी उनके कमर पर लग रही है तो आपने क्या फरमाया कुम या आबा तुराब ए मिट्टी वाले उठो दो बार में आपने फरमाया कुम या अबा तुराब अय मिट्टी वाले जिनके बंदर में मिट्टी लगी हुई है उठो और आपको बता दूं मैं कि ये जो टाइटल दिया अल्लाह के रसूल ने आबा तुराब या अबू तुराब इतना महबूब था हज़रत अली को कि सबसे ज़्यादा इसी नाम से पुकारने पर वो खुश होते थे अबू तुराब ये इसको इस्लाम में या हमारे दीन में इसको बोलते हैं कनीत किसी के नाम से मैं अबू लगा दीजिए अबू फ़लान अबू मोहम्मद बाप को कहते हैं मेरे लड़के के नाम मान लीजिए मोहम्मद है तो मुझे लोग क्या कहेंगे अबू मोहम्मद तो ये इस्लाम का बहुत बेहतरीन अदब आदाब का तरीका है कि अपने से बड़े का नाम मत लो चाहे छोटे को भी प्यार करना हो तो नाम मत लो बल्कि उसके लकब से पुकारो आज हमारे यहाँ ये सुन्नत कम हो गई है कोशिश ही करनी चाहिए तमाम साहब कराम की अल्लाह के रसूल की सबकी कुनीत यहाँ तक तो कि हजरत आयशा को औलाद नहीं थी फिर भी अल्लाह के रसूल के सामने कहा कि मेरी भी कुनीत होनी चाहिए तो उम्मे अब्दुल्ला रख दिया उनके बहन असमा के लड़के के नाम से उम्मे अब्दुल्ला इसमें अदब बहुत ज़्यादा है कि सामने वाले का हम नाम नहीं लेंगे आज भी अरब दुनिया में ये सुनत बहुत चलती है या आबा फ़लान या आबा फलान तो कहा कि कम यह आबा तुराब राय मट्टी वाले उठो दो बार आपने इर्शाद फरमाया उठे हजरत अली रदी अल्लाह तो उसके बाद क्या किया बाप भी हैं और ससुर भी हैं बेटी को नाराज़ किया है बेटी भी कैसी बेटी वो कौन है सई ये अहलिल अहन्ना जन्नत में औरतों की सरदार फातिमा रदी अल्लाह मामूली फजीलत उनकी नहीं है उनको नाराज़ करके चले आए किसी बात पर हमारे यहाँ का मसला नहीं हुआ हमारे यहाँ तो नाराज़ करने के बाद माशा अल्लाह तये बात आगे तक बढ़ जाती है वहाँ नाराज हुए मामूली सी कोई बात थी उनके इतने मसायल नहीं थे कि वो ड्यूटी से लेट आई हैं या ये ड्यूटी से लेट आए या तनख्वाह कम मिली सैलरी कम मिली और ये आजकल वो डिस्काउंट का सेल लगा हुआ है ये चलना है वो चलना है शॉपिंग करना है मार्केटिंग करना है पार्क में जाना है विजिट पर जाना है ये सब मसायल नहीं थे बहुत मामूली मसायल थे घर के चंद मसायल थे लेकिन किसी बात पर आने जाने पर सोने जागने पर खाने पीने पर कोई बात हजरत अली और दोनों में हो गई तो वहाँ से हजरत अली उठ करके चले आए अभी इस पर मैं बाद में बात करूँगा पहले ये देखते हैं कि वालदेन या घर वालों की मुदाखलत मना है आप बीवी को और शोहर को आराम से अपना मसला हल करने दीजिए थोड़ी देर के बाद या कोई मुसालहत कराने वाला मुसालियत करा देगा कम्प्रोमाइज़ करा देगा अल्लाह के रसूल ने अगर मुदाखलत किया तो किस अंदाज़ में और किस मकसद सबसे पहली बात ये कि आपने उनको अपने दामाद को खुश करने के लिए प्यार का अंदाज़ अख्तियार किया या अबू तुराब ए मट्टी वाले है बहुत खुशी हुई इससे दूसरा ये है कि हजरते फातिमा को रिश्तेदारी याद दिलाई कि हज़रत अली से तुम्हारी रिश्तेदारी भी है अगर अगरचे नाराज़गी का मौका आया लेकिन वो रिश्तेदारी का ख्याल करो तो तुम्हारी मोहब्बत जाग उठेगी कि ये तो मेरे रिश्तेदार ही अगरचे कुछ हरकत हो गई है तो जाने तो कोई बात नहीं मेरे शोर जैसे और आम शहरों के बारे में अल्लाह ताला ने याद दिलाया उनके हकूक़ को कि ये शौहर है ये शहर है ये तुम्हारे लिए करता है ये करता है नज़रअंदाज करो अगर कोई बात हो गई ये बीवी है ये तुम्हारी बीवी है ये तुम्हारी बीवी, है, ये तुम्हारी बीवी है, अगर ये ये काम करता है और कोई गलती हो गई तो नज़रअंदाज करो दोनों को और एक दूसरे का हक़ दिया करो अपने वाजिबात को पूरा करो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अली उठो कुम या अबूत अब उठे और उसके बाद क्या किया आज की दुनिया में अगर देखिए अल्लाह ताला बचाए हम मुसलमानों का ख़ास तौर से आज तो हम तो शहरों में या देहातों में हर जगह बहुत केसे से केसेज ऐसे हमारे पास आते हैं लोग उसमें मशवरा लेते हैं या हम लोग ख़ुद भी कभी कभी तो आज तो अगर किसी को डांट दिया शौहर ने या नाराज़ कर दिया शौहर ने या दोनों तरफ से मामला हो सकता है किसी एक को मैं कसूरवार नहीं ठहराता कमी दोनों की तरफ से हो सकती है तो पहला काम जो करती हैं या करते हैं वो अपने घर वालों को फ़ोन लगाते हैं और ये है बड़ी बुराई ये फ़ोन वाला मसला आजकल तो बहुत से लोग शादी के वक्त ही स्मार्टफोन देते हैं मुदाखलत देखिए इंटरफेयर स्मार्टफोन देते हैं बेटी जाओ किसी से डरने की जरूरत नहीं है ये फ़ोन ले जाओ खाली मिस कॉल करना बाद में मैं सब देख लूँगा नवजबील्ला ये बहुत गलत पैगाम है बहुत गलत रविश है ये आप देखिए सबसे बड़े मसले आज़म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर भी हैं और बाप भी हैं लेकिन दोनों के साथ क्या कर रहे हैं खड़े किया अली को तो अली के साथ क्या किया आपने तुम्हारी इतनी जुरात नबी की बेटी को तुम्हें नाराज़ कर दिया ऐसा किया वैसा किया कुछ भी नहीं कहा सुबहान अल्लाह कुर्बान जाइए क्या किया उन्होंने पूरी हदीस आप पढ़ के देख लीजिए हदीस की तमाम किताबों में सही बुखारी बुखारिश में लायम रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को कहा उठो बेटा उठे उसके बाद उनको कंधे से पकड़ा और ले जाकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह उन्हा के घर में पहुँचा दिया और अपने घर चले गए न कोई लेक्चर दिया न कोई भांसट दिया न कोई डांट न डपट क्या कहते हैं अली उठो और लेके चले गए ये पूरा सिस्टम ये पूरी साइंस इतनी बेहतरीन है आजकल के हालात में जिस तरह से घरेलू झगड़ा आगे बढ़ रहा है कोर्ट कचहरी और पार्लियामेंट में जा रहा है हर मुसलमान इसका जिम्मेदार होगा और कल की आने वाली नस्ल छोड़ेगी नहीं माफ़ नहीं करेगी आपको छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके आजादी के नाम पर ड्यूटी और जॉब के नाम पर खरीदो फरोख्त के नाम पर शॉपिंग के नाम पर बैंक अकाउंट के नाम पर दुनिया भर के नाम पर छोटे छोटे बहाने से बातें बढ़ती चली जा रही हैं इससे हमको बचने की जरूरत है ये हादिया आजम ने क्या किया ये किसके लिए नमूना पेश किया सबके लिए अली और फातिमा के लिए भी रदील आनुमा और हमारे लिए भी हजरत अली को ले जाकर वहाँ पे पहुँचा दिया ना कोई डांट डपट न कोई रपट लिखवाया ना कोई एफ आई कराया ना तीन साल का जेल कराया कुछ भी नहीं कहा अली उठो ले जा घर में पहुँचा दिया आप ये देखिए कि उनकी सुन्नत क्या है अली को अबू तराब कह के मुखातब कर रहे हैं सामने वाला वैसे ही मुतासिर हो जाएगा कि मेरा इतना एहतराम कर रहे हैं मुझसे बड़े होकर के मेरा नाम नहीं ले रहे हैं ये करीब लाने के लिए मोहब्बत को बेदार करने के लिए उसके बाद कुछ डांट डपट नहीं ये भी हवाला नहीं दिया कि फ़ातिमा तुम्हारे घर में ये ये काम करती है मैं तो कई ऐसे मामलात में पढ़ा अल्लाह तला बचाए हमारे खानदान की बच्चियों और बच्चों को रुख्सती के वक्त कहा कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी चलो कोई बात नहीं मंजूर कर लेते हैं बाद में तलाक हुई तो ससुर ने यही जुमला कहा मैं मौजूद था कि मैं तो अपनी बहू के हाथ की चाय भी नहीं जानता हूं अब बताइए आप ऐसे रिश्ते का अंजाम क्या होगा नबी की बेटी तो काम कर रही है हजरत अली मामूली मोहब्बत नहीं करते थे हजरत फातिमा से बहुत तफसी मैं आपको बताता हूं कि वो इतनी मोहब्बत करते थे कि उनका काम देख करके पानी भर के लाना दूर से कंधे पे निशान पड़ गया था उस खातून जन्नत का जन्नत की सरदार खातून का झाड़ू लगाती थी अपने घर में हदीस में सही बुखारी में है ये किताबुल अमनाकिब में हजरत आयशा की रिवायत है कि एक बार हजरत अली ने कहा कि इतनी मशक्कत करती हो घर में नबी की बेटी है जाओ अपने अब्बा से लौंडी और खादिमा मांग के ले आओ आए थे कुछ खादिम और खादिमा जंग में कहा जाओ मांग के ले आओ आए तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं थे किताबुल अमनाकबिब सही बुखारी में ये है तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी कैसे तशरीफ लाई कहा ये ये काम था अब्बा से मिलना था कहा काम है ठीक है लेकिन अब्बा इस वक्त है नहीं तो आप बाद में आओ पेशा की नमाज के बाद हजरत फातिमा ये सुनकर के घर में चली गई जब अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह है आपकी बेटी हजरत फ़ातमा आई थी और ये कह के गईं अल्लाह के रसूल सल्हम अपने घर से निकले और उस वक्त हजरत फातिमा के घर में तशरीफ़ ले गए जब वो दोनों बिस्तर पर जा चुके थे कौन दोनों अली और फातिमा रदी अल्लाहन हज़ अली के ख़ुद अल्फाज हैं कहते हैं कि हम लोग दोनों, दोनों बिस्तर पर जा चुके थे उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम तशरीफ़ लाए और आके आप हमारे बिस्तर में हमारे पास बैठ गए यहाँ तक कि मैं आपके कदम मुबारक की ठंडक अपने कमर पर महसूस कर रहा था बेटी थी दामाद थे उसके बाद कहा आपने कि बेटी कैसे आई थी तो बेटी ने ये माजरा बयान किया कि काम करने में इतनी तकलीफ हो रही इतनी तकलीफ़ हो रही है और मेरे शोहर अली ने ही मुझे हुक्म दिया था कि जाके अब्बा से मांग करके ले आऊँ खादमा या नौकरानी आप ये देखिए कि वो मोहसिन इंसानियत सिर्फ़ फातिमा और अली के नहीं थे वो रमत लालमीन सिर्फ़ फ़ातिमा और अली के लिए नहीं थे आपने फ़रमाया कि फ़ातिमा मेरी बेटी मुझे तुम्हारी तकलीफ़ नज़र आ रही है तुम्हारी मशक्क़त का अंदाज़ा है तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा है लेकिन अभी तो मैंने दूसरे बहुत से मुसलमानों को ख़ातमा या लौंडी नहीं दिया है तो तुमको कैसे दे सकता हूँ यह है वो इंसाफ अल्लाह के रसूल का कि रमतमी थे सिर्फ अपने घर के लिए नहीं आए थे वो अली और फातिमा के लिए नहीं आए थे ना शुरू में जहेज़ दिया आपने और न बाद में जब आसानी हुई तब जहेज़ दिया आपने न शुरू में दिया न बाद में दिया बहुत से लोग इस मसले को उठाते हैं कि अल्लाह के रसोल ने ये दिया वो दिया उनको चूल्हा दिया उनको चक्की दिया उसकी तफसील बुखारी में है कि वो हजरत अली की ज़रा बेच करके वो सब सामान खरीदा गया था आपने कुछ भी नहीं दिया था तो बेटी मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ ये थी उनमें मोहब्बत अली और फातिमा में ये सही बुखारी के अल्फाज हैं कि उनकी तकलीफ को देख के अली को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा कि जाके खादमा तलब करके लेके आओ लेकिन नहीं मिली खादमा उनके खजाने में इनके लिए कुछ हिस्सा नहीं था पहले मुसलमानों का हक पूरा करेंगे उसके बाद कभी नंबर आएगा तो घर वालों का नंबर आएगा और इस तरह से ये मसला रह गया मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो खात्मा थी जिनसे हजरत अली ने जिनको नाराज़ कर दिया था तो अल्लाह के रसूल ने कुछ भी मुआज़जा नहीं किया कुछ भी मुदाखलत नहीं की और ना डांटा ना फटकारा कुछ भी नहीं किया जाके कि उनको उनके घर में पहुँचा दिया और फिर वो मसला ही ख़त्म है कोई मसला बड़ा ही नहीं आगे राज़ी बरदा वो और ख़ुशी खुरम वो अपनी औलाद की हसन हुसैन की तरबियत कर रही है अलहद जो दीनी जिम्मेदारियाँ हैं उसको अदा कर रही है अलहमद और इस तरह अलहमदा खुशम आज हमारे लिए भी यह नमूना है वो शोहर है आखिर को वो बीवी है वो तुम्हारा जोड़ा है तुम उसके जोड़े हो वो तुम्हारा लिबास है वो तुम उसके लिबास हो तो इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है इस बंधन को इस निकाह के रिश्ते को कुरान ने क्या कहा है मऊफिकन गलीजा किसी भी खातून से पूछ लीजिए उनको नहीं मालूम है कि इस रिश्ते का क्या नाम है बहुत से शोहरों से पूछिए कि कुरान ने इस रिश्ते को क्या नाम दिया है ये भी नहीं मालूम है तो फिर ये पेचीदगी तो बढ़ती चली जाएगी दीन से दूर रहेंगे कुरान से दूर रहेंगे तो ये पेचीदगियाँ बढ़ती चले जाएँगी और नुकसान पूरे खानदान का होगा अल्लाह तला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तम को ऐसे बड़े बड़े ख़तरनाक नुकसान से महफूज़ रखे हम ये दुआ करते हैं और दरख्वास्त करते हैं तमाम शोहरों से तमाम बीवियों से तमाम समधियों से तमाम सासुर ससुर से कि इस सिस्टम को समझने की कोशिश की